दिन भर बैठे रहने की वजह से मांसपेशियों में दर्द की समस्या और अकड़न की समस्या हो सकती है, इसलिए बॉडी स्ट्रेच करना बेहद जरूरी है। शरीर की अकड़न दूर करने और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए योग आसन करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपको आज कुछ ऐसे योग आसन बताने जा रहे हैं जिनसे इन परेशानियों को दूर करने में आपको मदद मिल सकती है। क्या आप भी दिन भर डेस्क के सामने कंप्यूटर पर स्क्रीन को निहारते हुए अपना दिन निकाल देते हैं? अगर हाँ, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा देर तक ही पोजीशन में एक ही पोजीशन में बैठे रहने की वजह से मांसपेशियों में तनाव यानी कि मसल स्ट्रेन और दर्द की समस्या हो सकती है। वहीं कई बार अगर बैठने का तरीका गलत हो तो नर्व कंप्रेशन यानी कि नस दबने की समस्या भी हो सकती है, इसलिए इन परेशानियों से बचने के लिए रोज स्ट्रेचिंग करना बेहद ज़रूरी है। शरीर को स्ट्रेच करने के लिए योग से बेहतर और क्या हो सकता है? योग करने से मांसपेशियों का तनाव कम होता है और दर्द से भी राहत मिलती है। इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे योगासनों के बारे में बताएंगे जो मांसपेशियों के दर्द से पूरी तरह से राहत दिलवाते हैं और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में मदद भी करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे बालासन की यानी कि चाइल्ड पोज की। ये आसन पीठ और कंधों को खोलने और तनाव को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। वहीं आपको क्या करना है, अपने घुटनों को फर्श पर लाएं और अपने नितंबों को अपनी एड़ियों पर रख कर बैठना है। वहीं अपने माथे को फर्श पर रखें और अब अपनी बाहों को अपने शरीर के साथ आराम से रखें। इस स्थिति में कुछ गहरी सांस लेकर फिर उसे छोड़ें और इससे आपका चाइल्ड पोज बन जाएगा थोड़ी देर तक। शुरुआत में 5 मिनट इसका अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे आप इस टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं, आपको इससे काफ़ी फायदे देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे उष्ट्रासन यानी कि कैमल पोज की। ये आसन पीठ और कंधों को खोलने और तनाव को कम करने में असरदार होता है। करना क्या है, अपने घुटनों को आपको फर्श पर रखना है और अपने नितंबों को ऊपर की ओर उठाना है। वहीं अपने हाथों को अपनी एड़ियों को पकड़ना है और धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना शुरू करना है। अब इसी स्थिति में कुछ गहरी सांस लेकर फिर उसे छोड़ना है। वहीं अगला आसन है अधोमुख श्वासन यानी कि डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ये आसन पूरे शरीर को स्ट्रेच करने और तनाव को कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको क्या करना है, अपने हाथों और पैरों को फर्श पर रखना है और अपने नितंबों को ऊपर की ओर उठाना है। वहीं अपने सिर को अपने हाथों के बीच रखें और अपनी एड़ियों को फर्श की ओर दबाएं। इस स्थिति में आपको गहरी सांस लेनी और छोड़नी है। देखिए, हर योगासन में आपको गहरी सांस लेनी है फिर छोड़नी है, इसी से आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी। वहीं अगला आसन है शवासन यानी कि कॉर्प्स पोज। ये आसन शरीर को पूरी तरह से आराम देने वाला और तनाव को कम करने वाले के लिए सबसे असरदार आसन है। सिंपल सी चीज़ है, करना क्या है, अपने पीठ के बल लेट जाएं और अपने पैरों को आराम से फैलाएं। अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के किनारों पर रखें और अपनी आंखों को बंद कर लें। ऐसी स्थिति में लेटकर आपको गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है और पूरे शरीर को आराम देना है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि शव आसन हमेशा सभी योगा आसन पूरी एक्सरसाइज हो जाने के बाद बिल्कुल एंड में करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर की मसल्स बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है। वहीं अगला आसन है वीरभद्रासन यानी कि वॉरियर पोज। ये आसन मांसपेशियों को मजबूत करने और लचीलापन बढ़ाने में मदद करता है। आपको क्या करना है, अपने एक पैर को कंधों की चौड़ाई से ज़्यादा रखना है और अपने सामने वाले पैर को 90 डिग्री पर कोण बनाना है। वहीं अपने सामने वाले हाथ को सामने की ओर और अपने पीछे वाले हाथ को पीछे की ओर बढ़ाएं। अब इस स्थिति में गहरी सांस लें और छोड़ें। ये सभी आसन करने से आपकी सारी मसल्स रिलैक्स होंगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और काम करने में आपका मन भी लगने लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और हेल्थ टिप्स के लिए फॉलो कीजिए हमारे YouTube चैनल सौगंध टीवी को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।